चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का पार्ट 1, बाकी के पार्ट्स आप अगली वीडियोस में देख पाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है या कोई नया पदार्थ बनता है, उन्हें हम अभिक्रिया कह सकते हैं। और अभिक्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की, नंबर 1 भौतिक अभिक्रियाएं और नंबर 2 रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि भौतिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उन्हें हम भौतिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि पानी का भाप में बदलना या भाप का पानी में बदलना, पानी का बर्फ में जमना या बर्फ का पानी में पिघलना, इन सभी में क्या हो रहा है? तो सिर्फ पानी, लेकिन वही पानी कभी भाप में बदल जा रहा है। अगर हम भाप को ठंडा करते हैं तो वापस पानी में बदल जाता है। इसी पानी को अगर हम और ठंडा करते हैं तो ये जमकर बर्फ बन जाता है, और जब हम बर्फ को पिघलाते हैं तो वो पानी बन जाता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, पानी अपनी अवस्था को बदल रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ केवल अपनी अवस्था को बदलता है, उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है। ये याद रखना है कि इसमें कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा, तो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तथा नया पदार्थ बनता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि लकड़ी का दहन, अगर हम किसी लकड़ी को जला देते हैं तो राख बन जाती है, और राख को वापस हम लकड़ी में नहीं बदल सकते। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की खास बात भी है ये, एक कि जिस चीज से हम शुरुआत करेंगे वापस उस चीज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि भोजन का पचना, अगर एक बार भोजन पच गया तो उससे वापस भोजन नहीं बना सकते, तो भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही है लोहे को जंग लगना, इसमें भी हम देखें तो एक नया पदार्थ बनता है जो कि है जंग, और जंग से वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। और इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, तो ये चारों क्या हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके अलावा भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो हम अपने आसपास देखते रहते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। अब हम जानते हैं कि अगर एक बार दूध से दही बन गई तो वापस दूध नहीं बनाया जा सकता उस दही से, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए अभी हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर क्या होता है। तो ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है इस पार्ट का, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो क्या होता है, आइए जानते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करते हैं तो यह चमकदार श्वेत लोह के साथ जलने लगता है। लोह का मतलब है ज्वाला, जिसके साथ ये जलेगा, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है, और यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे हम इस तरीके से लिखकर दर्शा सकते हैं, Mg+O2, और फिर क्या बना, MgO। ये MgO जो है इसको कहते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। ये मैग्नीशियम रिबन आपने साइंस लैब में भी देखा होगा, और इसको जलाने के लिए, इसके दहन को देखने के लिए हम एक वीडियो देखें। तो चलिए मैग्नीशियम रिबन के दहन को देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा है, और ये जो मैग्नीशियम रिबन है आपने अपने साइंस लैब में देखा भी होगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक बंसन बर्नर और एक वाच ग्लास, और वाच ग्लास के अलावा भी हमें एक और चीज चाहिए जो कि है एक टोंग, इसे टोंग कहते हैं। चलिए तो इस टोंग की हेल्प से हम सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन के टुकड़े को पकड़ लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम रिबन थोड़ा बड़ा है, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसको एक छोटे टुकड़े में हमने तोड़ लिया है, अब हम इसे
टोंग की हेल्प से पकड़कर बर्नर में जलाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है जब हम इसे जलाएंगे। तो जब हम इसे बर्नर में जलाते हैं तो ये आग पकड़ लेता है और एक श्वेत चमकदार लौ के साथ जलना आरंभ कर देता है। आप देख सकते हैं इसकी ज्वाला कैसे एकदम श्वेत चमकदार लौ है। और जलने के बाद ये एक सफेद रंग के चूर्ण में, पाउडर में बदल जाएगा, जो कि क्या है हम सभी जानते हैं, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम वॉच ग्लास में रख लेते हैं और इसको जब हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पाउडर आ जाता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर है। आइए तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को काफी समय के लिए छोड़ देते हैं या हमारे लैब में वो काफी टाइम पड़ा रहता है और जब उसे जलाने लगते हैं तो वो आसानी से आग नहीं पकड़ता, तो इसलिए हमें उसे जलाने से पहले साफ करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए है। मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है और वायु में रहने पर इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जो इसे जलने नहीं देती, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रेक्षण हैं जिनकी सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नंबर एक, अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, अगर हम कोई काम करें या कोई परिवर्तन करें और उसके दौरान रंग में बदलाव आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निकास या उत्सर्जन, जब कुछ करने पर गैस पैदा होती है, कोई नई गैस बन के बाहर निकलती है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, तो जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हो सकता है कि तापमान में परिवर्तन भी हो जाए। तो इन चारों में से अगर कोई भी काम होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आइए अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। किसी रासायनिक परिवर्तन को प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखते हैं पहले कोई एक रासायनिक परिवर्तन क्या है। जैसे कि अभी हमने किया भी था कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया कि भाई मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करना और इससे इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना। तो इसे हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम इसकी समीकरण लिख सकते हैं। देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है शब्द समीकरण, शब्दों के रूप में लिखा हुआ है। इसे हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिख दिया Mg+O2MgO। ये है असली समीकरण जो आपको याद रखनी है, Mg+O2MgO। इनके आगे जो नंबर लिखे हुए हैं अभी आपको समझ आ जाएंगे या अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि क्यों ये दो लगा हुआ है। एक्चुअली ये रासायनिक समीकरण हमने संतुलित की हुई है। क्यों संतुलित करते हैं ये सब आपको आगे पता लगेगा। तो इसमें अभी एक और नई चीज अभी आ गई आपके सामने, अभिकारक और उत्पाद, ये भी अभी हम आगे अपने प्रश्न में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ये रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी अभिक्रिया को सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिकारक तथा उत्पाद किन्हें कहते हैं, अभी जो आया भी था, अब हम जानते हैं कि क्या होते हैं अभिकारक और क्या होते हैं उत्पाद। सबसे पहले हम जानते हैं अभिकारक, वे पदार्थ जो परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और उत्पाद क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अभिकारकों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास एक अभिक्रिया थी, अभी हमने यही वाली अभिक्रिया देखी थी, Mg+O2MgO। तो इस अभिक्रिया में Mg और O2 आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं इसलिए ये क्या है, अभिकारक। और MgO बना है, ये क्या है, उत्पाद। इसे आप इस तरीके से पढ़ भी सकते हैं। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ
मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। और याद भी रखना है हमेशा कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। और भी अभी कुछ काफी कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने का एक तरीका होता है, और कैसे लिखते हैं आइए जानते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे भी, तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी याद रख लेंगे। अभी अभिकारकों और उत्पाद के बीच में हम एक तीर का निशान लगा देते हैं। इसके अलावा जो हमारे अभिकारक हैं, अगर अभिकारक एक से ज्यादा हैं, तो उनके बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे और उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, तीर के निशान के किधर रखेंगे हम, बाईं ओर। इसी प्रकार उत्पाद अगर एक से ज्यादा हैं, तो उनके बीच में भी हम प्लस का निशान लगाएंगे और उन्हें हम किधर रखेंगे, तीर के निशान के दाईं ओर, जैसे कि आप अभी देखेंगे। और इसके अलावा जो तीर का सिरा है वो उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जो हमारे Mg+O2 ये अभिकारक हैं, इनके बीच में हमने प्लस का निशान लगाया है और इन्हें तीर के निशान के बाईं ओर हमने रखा है। और MgO ये किस तरफ हमने रखा हुआ है, दाईं ओर, तीर के निशान के दाईं ओर। और तीर का निशान जो है वो किस तरफ है, उत्पाद की ओर है, जो हमें दर्शा रहा है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है। इस प्रश्न को 2-3 बार पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे कि इसमें देखिए, जिंक प्लस H2SO4 बन क्या रहा है, ZnSO4, जिंक सल्फेट कहते हैं इसे हम, और हाइड्रोजन। तो ये हैं हमारे नाम इनके, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसमें भी आपको समझ आ गया होगा, इसमें देखिए एक से ज्यादा अभिकारक हैं, उनके बीच में प्लस का निशान है, उत्पाद भी एक से ज्यादा हैं, उनके बीच में भी प्लस का निशान हमने लगा दिया है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है प्रश्न को 2-3 बार, ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, इसमें जिंक हमारा एक है, उधर भी जिंक एक है, H2 2 है, H2 है, तो उधर भी H2 है, SO4 देखिए ध्यान से, मतलब ये दोनों तरफ बराबर बराबर तत्व हैं हमारे। तो इस वजह से इस समीकरण को हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक समीकरण हमारी संतुलित है। अगर इनमें से कोई भी चीज तीर के निशान के एक तरफ और दूसरी तरफ कम ज्यादा होती, तो फिर हम कहते कि भाई ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें दोनों तरफ बराबर हैं, अभिकारक और उत्पादों में जो तत्वों की संख्या है वो समान है, इसलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, या हमें क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि भी अगर कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों और उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि आप अगली लाइन में पढ़ सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अर्थात जो समीकरण संतुलित नहीं होती उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए या उसे सही साबित करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा ही आपको कंसेप्ट और समझ में आएंगे, और बाकी के जो डाउट्स हैं आप उन्हें कमेंट में कर सकते हैं या आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम उनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच।